कांग्रेस नेता अनवर दस्तक और अनवर कादरी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हिंदू संगठन के लोगों ने इंदौर कलेक्टर कार्यालय पर ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि यह दोनों लोग हिंदू समाज के लिए घातक साबित हो रहे हैं, इन पर सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। संस्था हिंदवी स्वराज्य के लोगों ने कांग्रेस नेता अनवर दस्तक और अनवर कादरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दोनों लोगों को लेकर हिंदू संगठन के लोग तमाम प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंप रहे हैं और आरोपियों पर सख्त कार्यवाही करने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में संस्था हिंदवी स्वराज के लोगों ने भी कलेक्टर कार्यालय पर ज्ञापन दिया। हिंदवी स्वराज के पदाधिकारी अमित पांडे ने बताया कि अनवर कादरी ने गुरु गोलवलकर को लेकर सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी की है, जिसको लेकर मल्हारगंज थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है। वहीं अनवर दस्तक भूमाफिया है और दुष्कर्म का एक मामला उसके खिलाफ सामने आया है। उनका कहना है कि दोनों लोग खुले घूम रहे हैं और इनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। संस्था के सदस्यों ने शासन प्रशासन से मांग की है कि इन दोनों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाए और इन पर सख्त कार्यवाही की जाए। ये दो बदमाश हैं, अनवर दस्तक और अनवर कादरी, जो कि डकैत के नाम से प्रसिद्ध है। वो एक लिस्टेड बदमाश है शहर का और उसने कई अनैतिक कार्य किए हैं हिंदू समाज के विरुद्ध, और नशे का व्यापार से लेके हर ऐसा कोई सा भी अनैतिक धंधा नहीं है जिसमें इन दोनों के हाथ ना हो। तो ये समाज के गुरु गोलवलकर जी के उसने स्टेटस पे उसने उनके खिलाफ़ कुछ अनिंदनीय अशोभनीय बातें लिखी है, उसी के विरुद्ध में इसके खिलाफ़ मल्हारगंज थाने में और एक थाने में और उनकी शिकायत हुई है, पर इनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। और जो अनवर दस्तक है वो भूमाफिया है और पूर्व में अभी एक महिला के साथ उसने बलात्कार किया, उसको भी गिरफ्तार अभी तक नहीं किया गया। तो हमारा यहाँ पे कलेक्टर साहब से निवेदन है कि इन दोनों की गिरफ्तारी शीघ्र होके और इन पर रासुका की कार्रवाई की जाए।